हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष। और मुझे पता है कि बहुत लोग इंतजार कर रहे होंगे आज की वीडियो का। आई एम वेरी सॉरी, लैपटॉप इश्यूज की वजह से आज ये वीडियो बहुत लेट बन रही है, बट आई होप कि ये वीडियो आप लोगों की हेल्प करेगी जैसे कि आज के दिन हेल्प करा। और मैंने लास्ट एनालिसिस में बोला ही था कि बाजार रेजिस्टेंस पर है और एक रिवर्सल पॉसिबल है, और लेकिन लेवल्स हम लोग हमेशा दोनों साइड के देके चलते हैं। तो आप देखते हैं आज बाजार ने क्या किया। देखिए, 17,860 का रेजिस्टेंस बताया था, 17,863 बनाया। उसके बाद नीचे का टारगेट दिया था 17,630 से 60 के बीच का, और बाजार ने उसे ओवर अचीव किया, 17,574 का लो बनाया। अब फ्रेंड देखिए, जो क्लोजिंग है 17,707 की, ये है तो एक नेगेटिव क्लोजिंग, ठीक है। अगर अच्छी क्लोजिंग बाजार को देनी थी ना, तो बाजार को इससे ऊपर क्लोज करना चाहिए था। क्यों, मैं रीजन भी बताता हूं हमेशा, जिससे आप लोगों को लर्निंग मिले। देखिए, 17,717 और 17,730, ये दोनों जो है लास्ट दो दिन के लो थे, ठीक। बाजार ने लास्ट के दो दिन के जो लो है उसको ब्रेक कर दिया, यानी ये जो दोनों दिन का जो लो बना था उसको ब्रेक कर दिया। उस लास्ट के दो दिन के जो गेन्स हैं वो बुल्स नहीं सस्टेन कर पाए, तो ये क्लोजिंग बेसिस एक बियरिश कैंडल हुई, ठीक है। चलिए, अब हम ओवरली चार्ट पे चलते हैं। ये डेली चार्ट था, तो कुछ लोग ये बोल रहे होंगे कि भाई ये एक बियरिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है, तो ये इस तरीके से कुछ जा सकता है। मैं ऐसे और थोड़ा सा क्लियर बना दूं तो ये इस तरीके से गया हुआ, ये फिर सेम हाइट इस तरीके की नीचे बन सकती है, तो ये यहीं कहीं के आसपास आ सकता है, ठीक है। एक तो मार्केट में इस तरीके का व्यू चल रहा होगा, और ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक। ये हो सकता है कि इस तरीके का एक पैटर्न बने। सेकेंडली क्या है कि बाजार ऐसे भी कर सकता है कि ये एक ट्रेंड लाइन है, और इस ट्रेंड लाइन को बनाते और इस ट्रेंड लाइन को धीरे धीरे फॉलो करते हुए ये ऊपर गैप फिल करे और ऊपर की तरफ निकल जाए। दिस इज द अनदर पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो अभी हम लोग जब आगे छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे, तो आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार ऊपर जा सकता है तो हमें क्या करना है, और नीचे आने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, ठीक। तो अब हम आ जाते हैं 15 मिनट चार्ट के ऊपर। फ्रेंड्स, 15 मिनट चार्ट पे आप लोगों को मैंने एक्चुअली लेवल सारे के सारे पहले ही बना दिए हैं, लेकिन अभी मैं इनको हटा देता हूं, और अभी हम लोग अपनी एनालिसिस करते हैं इस पे। देखिए, मैंने अभी ये ट्रेंड लाइन बनाई थी, ये 15 मिनट चार्ट पे ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है बाजार। अब बाजार क्या कर सकता है कि ये जो जोन बनाया है इसने, ये जो एंड में लास्ट के जो आधे घंटे में हाई बनाया 17,716 से 17,720 के आसपास तक का, इसको ये क्रॉस कर सकता है, ठीक। एक अच्छी एक ग्रीन कैंडल मॉर्निंग में खड़ी हो जाए या फिर बाजार गैप अप हो जाए। देखिए, तो ऊपर का जो एक लेवल है 17,730 से 40 का, जो मैंने बताया कि प्रीवियस लास्ट दो दिन के लोस थे, तो बाजार अगर इसके ऊपर गैप अप खुल जाता है और यहां पे सस्टेन करता है, और फिर या फिर गैप अप खुल के ये 17,720-30 के आसपास आता है, जिगजैग करके एक पैटर्न बनाता है और फिर ऊपर ब्रेक करता है, तो ये कंफर्मेशन मिल जाएगी कि बाजार को ऊपर ही जाना है। बाजार ने केवल वीकेंड्स को यहां पर एग्जिट कराया, और अब बाजार एक हायर हाई लगाने के लिए आगे निकल गए हैं, ठीक है, राइट। एक तो ये सिचुएशन, दूसरा गैप अप में ये हो सकता है कि भाई 17,740 के आसपास ही आए, और फिर उसके बाद जिगजैग 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 यहीं पे करता चला जाए, और फिर ये जो नीचे के जो लो बनाया है, ये कह लीजिए जो 17,660 का लेवल है, इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ मूव करे, और ये जो बियरिश फ्लैग पैटर्न बनाया है फ्रेंड्स, फिर वो पैटर्न जो होगा वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो दो सिनेरियो बनते हैं, पहला ये कि ये एक छोटा सा गैप अप दे और ये नीचे जाके 17,660 को ब्रेक कर दे, तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा
17,660 से 17,630 का हो जाएगा, ठीक। 17,660 के आसपास अगर बाजार सपोर्ट लेता है तो हम कॉल में बैठने की कोशिश करेंगे, 17,630 के आसपास भी अगर सपोर्ट लेता है तो भी हम कॉल में बैठने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ बेस बनता है तो कि नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा एक सपोर्ट जोन है और हम लास्ट की कई एनालिसिस में ये बात करते हुए चले आ रहे हैं कि ये एक जोन है इंपॉर्टेंट और बाजार को ऊपर से एक बार नीचे से टेस्ट करने आना ही था। और डेली चार्ट पे तो मैंने आपको दिखाया ही है कि देखिए ये एक ब्रेकआउट रीटेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो पहला कि 17,660 से लेके 17,630 के जोन में हमें ट्रेड नहीं करना है, ये हमारे लिए कल नो सपोर्ट नो ट्रेडिंग जोन होगा। अगर इसके नीचे बाजार चलते हैं तो हमारा टारगेट सीधा सीधा 17,575 का हो जाएगा, ठीक है। मैं इसके नीचे के टारगेट आज नहीं देने वाला हूं, रीजन मैं बता रहा हूं कि मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि बाजार कल साइडवेज मूव कर सकते हैं। अभी तक क्या था कि देखिए बाजार बाय डिप्स चल रहे थे, ठीक, बाजार ने एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाई, उसके बाद उस रेड कैंडल को कंटिन्यू किया। और अगर आप ओवरली चार्ट देखें तो ओवरली चार्ट पे आपको दिख रहा होगा कि ये एक सिंगल रेड कैंडल है, उसी के बीच में बाजार ने ट्रेड किया है। तो होता क्या है कि जब भी पहले 5 मिनट में कोई बड़ा गैप डाउन हो जाए या बड़ा गैप अप हो जाए तो बाजार क्या करता है, वो जो ओवरली कैंडल होती है ना उसके बीच में ही ट्रेड करने लगता है, सारा दिन वहीं पे टाइम पास करता है, ठीक। तो आज के दिन भी एग्जैक्ट वही हुआ, राइट। अब बाजार अगर कल साइडवेज जाएगा तो बाजार क्या करेगा कि बुल्स को और बियर्स को दोनों को मौका देगा। अगर आप उल्टा खेलेंगे तो आपके दोनों साइड स्टॉप लॉस दिखाएगा, ठीक है। तो हमारे को दोनों साइड ट्रेड मिलेंगे, हमें दोनों साइड ट्रेड में ध्यान रखना है। अगर बाजार गैप अप के ऊपर या फ्लैट खुल के ऊपर निकल जाए और यहां जिगजैग करके बेस बना के भी ऊपर चला जाए तो भी फिर 17,730 और 40 के ऊपर, तो हमारा पहला टारगेट होगा 17,820, दूसरा टारगेट होगा 17,860 का। अगर बाजार यहीं कहीं खुल के 17,660 से 630 के जोन को ब्रेक कर देता है तो हमारा टारगेट होगा फ्रेंड 17,575 का। अगर इस जोन में सपोर्ट बना के ऊपर जाता है तो फिर ये 17,740 का लेवल तो कल ही दिख जाना चाहिए, और इसके ऊपर निकलता है तो फिर 820 और 860 के टारगेट तो हमने बता ही दिए हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस 630 को भी ब्रेक कर देता है तो फिर हम मैक्सिमम केवल 17,575 के लिए ट्रेड लेंगे। आप बोलेंगे ये तो बहुत छोटा छोटा ट्रेड है, तो देखिए फ्रेंड्स कल साइडवेज रहने के पूरे चांसेस हैं, कल प्रीमियम मीटिंग हो सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे को दोनों साइड के लिए रेडी रहना है। अगर 17,740 को ब्रेक कर जाए फिर इस जोन के अंदर आ जाए, यही कहीं बेस बनाए तो हम कॉल ले लेंगे, इसके ऊपर निकल जाए तो हम कॉल ले लेंगे, इसके नीचे निकल जाए तो हम पुट ले लेंगे, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट गैप डाउन हो जाता है और 660 से 630 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो फ्रेंड्स फिर 17,575 का लेवल तो आना ही आना है। मैं इसके नीचे के लेवल भी आप लोगों को बता देता हूं, अगला लेवल होगा सीधा सीधा 17,400 का, 17,400 का नेक्स्ट लेवल होगा बिलो 17,575। बीच में एक लेवल और भी आता है फ्रेंड 17,500, वो क्यों आता है वो भी मैं आज आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए बाजार ना हमेशा एक राउंड फिगर को फॉलो करता है, ठीक, 17,000 17,500 18,000, तो 17,490 से 500 का वो जो जोन होगा ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहां पर पुट सेलर होंगे। अगर वो ब्रेक होता है तब हमें 17,400 मिलेंगे, अदरवाइज 17,500 से भी बाजार घूम सकता है। 17,500 कल के लिए, एटलीस्ट कल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, क्योंकि वहां पर पुट सेलर अपनी पोजीशंस को बना के बैठे होंगे, ठीक। इसके लिए आपको ऑप्शन चेन देखने की जरूरत नहीं होती है, आप सीधा से एनालाइज कर सकते हैं कि 17,500 18,000 18,500 17,000, ये सब एक इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप लोगों को ये ट्रेडिंग प्लान समझ में आया होगा कि गैप डाउन में हमें क्या करना है, फ्लैट पुल के ऊपर जाए तो क्या करना है, फ्लैट पुल के नीचे जाए तो क्या करना है, गैप अप में क्या करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स लाइक करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि उनको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे फ्रेंड्स, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो।